हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से हम लोग वैसे वेट तो कर रहे थे सीमेट के नोटिफिकेशन का, बट आप लोगों को मैं बता दूं कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। एंड थोड़ा सा सरप्राइजिंगली है, क्योंकि पहले हमारा हमेशा सीमेट का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में सीईटी का आता है, बट इस बार ऐसा है कि थोड़ा जल्दी आ गया है। बट थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन आया है तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम इस बार जो है जल्दी एग्जाम क्यों हो रहे हैं या जो भी। तो बेसिकली अगर हम कोविड से पहले की बात करें तो हमारे जो एग्जाम्स जो होते थे वो इन्हीं डेट्स पर होते थे। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा सा कुछ डिले हो गया था, आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा डिले चल रहा था सीईटी एग्जाम में। बट अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके टाइम टू टाइम हो रहे हैं, तो अच्छा है आप लोगों के लिए कि आपको भी एक आपका टाइमली एग्जाम हो जाएगा, टाइमली आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपना जो कॉलेज है वो ज्वाइन कर लेंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एक टेंटेटिव स्केड्यूल जो है वो आपका आया है। तो बेसिकली आप लोगों के जो एग्जाम है, अभी आपका एग्जाम डेट आया है कि वो 18th और 19th of March को, यानी कि जो सैटरडे संडे है 18th एंड 19th में, तो तब आप लोगों का जो है डेट है। तो अब जो स्लॉट्स वगैरह जो भी हैं वो आगे हम देखेंगे क्या रहता है, कितने स्लॉट्स रहते हैं एंड ऑल। आप चाहें तो आप जाके ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं cetcell.mahacet.org। तो आप लोग खुद जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अब जो है हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी करना है, क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो महाराष्ट्रियंस जो हैं, क्योंकि सीईटी महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम है, तो जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली उनके लिए तो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एग्जाम है ये। बट कुछ बच्चों के डाउट्स ये रहते हैं कि मैम हम जो है महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, हम नॉन महाराष्ट्रियन हैं, तो क्या हमारे लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं, बजाज कॉलेज आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड स्पेशली वो लोग जिनका कैट का एग्जाम जो है अच्छा नहीं हुआ था, रिजल्ट भी जो है अच्छा नहीं आया है जिनका, क्योंकि इस बार सारे एग्जाम जो है टाइमली कंडक्ट भी हो चुके हैं, टाइमली रिजल्ट भी आप लोगों के आ चुके हैं। तो जिनका कैट का एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर जिन्होंने स्नैप दिया था, स्नैप का खैर अभी तक रिजल्ट आया नहीं है हमारा, बट उनको लगता है कि हाँ यार उतना अच्छा हुआ नहीं है, और जिन लोगों ने एग्जैक्ट का एग्जाम दिया है वो भी थोड़े डाउटफुल हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका सीईटी और सीमेट। तो सीमेट का भी नो डाउट जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो डेट आप जो है टाइमली आपके पास में सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो उसके बारे में मैं जल्दी आपको बता दूंगी। तो एंड सेकेंड थिंग ये कि मैम इसके बैचेस एंड ऑल दैट, तो बैच इसका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सीमेट और सीईटी का जो सिलेबस है वो सेम ही हमारा सिलेबस रहता है, ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं सिलेबस में। तो हम एक ही बैच लेके आएंगे और जल्द ही आपको मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगी, बैच का नेम क्या रहेगा एंड टाइमिंग्स एंड ऑल सब कुछ मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। आप थोड़ा सा चैनल जो है एक्टिव रहें, और आप इंग्लिश बाय सुमन शेखावत जो है आप उस